हम इस बात वाकिफ है कि किडनी हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। ऐसे में हमें किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज सही समय पर न हो तो समस्या और गंभीर हो जाती है। इसलिए हमें सही समय सही नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आपको बता दें, नेफ्रोलॉजिस्ट पॉलीसिस्टिक किडनी रोग, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन्स जैसी कई छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारियों तक का इलाज करते हैं। इसलिए आज डॉक्टर टाइम्स आपके लिए लाया है हैदराबाद के टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट की पूरी जानकारी। डॉक्टर सोमशेखर एम। डॉक्टर सोमशेखर के पास 41 साल का अनुभव है और वे अभी अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर श्री भूषण राजू। डॉक्टर श्री भूषण राजू के 18 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है और वे अभी NIMS हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर PS वाली। डॉक्टर PS वाली के पास 17 साल से ज्यादा का अनुभव है और वे अभी आयसन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर कमल किरण। डॉक्टर कमल किरण के पास 28 साल का अनुभव है और वे अभी मेडिकवर हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बी सुधाकर। डॉक्टर बी सुधाकर के पास 46 साल का अनुभव है और वे अभी एस्टर प्राइम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर जे रंगनाथ। डॉक्टर जे एल रंगनाथ के पास 22 साल का अनुभव है और वे मेडिकवर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार पानीग्रही। डॉक्टर अश्विनी कुमार पानीग्रही के पास 17 वर्ष का अनुभव है और वे अभी अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर रवि वेमागिरी एंड्रूज। डॉक्टर रवि वेमागिरी एंड्रूज के पास 31 साल का अनुभव है और वे अभी अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर तरुण कुमार साहा। डॉक्टर तरुण कुमार साहा के पास 35 साल का अनुभव है और वे अभी अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर कृष्णा विजय कुमार पाटिल। डॉक्टर कृष्णा विजय कुमार पाटिल के पास 11 साल का अनुभव है और वे अभी सनशाइन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।